हरिद्वार कुंभ मेले 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। 48 दिन तक का होगा हरिद्वार कुंभ मेला। शाही स्नान के लिए 4 तिथियां तय और बनाए गए कुछ कड़े नियम। तो हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं 4-5 मुख्य खबरों के बारे में, उसके बाद में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कुंभ मेले 2021 में मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। गंगा में डुबकी लगाने से पहले दिखानी पड़ सकती है COVID-19 रिपोर्ट। पहली बार स्नान के लिए तैयार किए जा रहे हैं प्राकृतिक घाट। भीड़ कंट्रोल के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मेला कंट्रोल सिस्टम एंड कुंभ मेले के लिए भारतीय रेलवे 35 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। तो ये रही थी मुख्य खबरें। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं विस्तार से। शाही स्नान के लिए कौन कौन सी वो 4 मुख्य तिथियां हैं, चलिए जानते हैं। कोरोना महामारी के दौर में वर्ष 2021 में होने वाला हरिद्वार का कुंभ मेला पहला बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। मकर संक्रांति से कुंभ मेले का श्री गणेश होगा, जो 48 दिनों तक चलेगा। शाही स्नान के लिए 4 तिथियां और मुख्य स्नान के लिए 6 दिन निर्धारित किए गए हैं। कुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। COVID-19 के खतरे को देखते हुए मेले में प्रवेश से पहले एंटीजन टेस्ट पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में अगर इस पर सहमति बनती है तो श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने से पहले COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार जल्द ही मेले की अधिसूचना जारी करने वाली है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पहली बार प्राकृतिक घाटों को तैयार किया जा रहा है, ताकि स्नान के वक्त श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। प्लास्टिक से तैयार इन घाटों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दीप वाटर बैरिकेडिंग की जा रही है। कुंभ के लिए भारतीय रेलवे 35 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मेला कंट्रोल सिस्टम भी तैयार किया गया है। हरिद्वार में हर 12 साल बाद कुंभ और 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन इस बार कुंभ का आयोजन 11वें वर्ष में होने जा रहा है। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति आने पर महाकुंभ होता है। वर्ष 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए इस बार आयोजन 1 साल पहले हो रहा है। वर्ष 2021 का कुंभ मेला 11 वर्ष के अंतराल के बाद हरिद्वार में पड़ रहा है। आखिरी बार वर्ष 2010 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। NSG और पैरामिलिट्री के स्पाइनर कुंभ की निगरानी होगी। किसी भी आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और एंटी माइनिंग टीम को भी अलर्ट दिया गया है। मेले की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कुंभ 40 कंपनियां पैरामिलिट्री देगी। इसमें SSB की 7, CRPF की 10, BSF की 10, CISF की 7 और ITBP की 6 कंपनियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से इन सभी का अलग अलग चरणों में हरिद्वार पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं आप इस साल कौन से राज्य और शहर से हरिद्वार कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी हो सके। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। तो अब दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।